हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल नगर पालिका की साधारण बैठक सोमवार को विधायक पूराराम चौधरी, नया अध्यक्ष विमला सुरेश बोरा, उपाध्यक्ष प्रेम राज बोरा व ईओ प्रताप सिंह भाटी की मौजूदगी में आयोजित हुई, जिसमें बैठक एजेंट की कुल 16 बिंदु में से मात्र एक बिंदु बाल समुद्र बांध के सौंदर्यीकरण की चर्चा के बाद नपा अध्यक्ष प्रेम राज बोरा ने सभी 16 बिंदुओं पर चर्चा पूर्ण होने व उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने बताकर बैठक करने की घोषणा की। बोरा के कहने पर अध्यक्ष सहित सभी सत्ता पक्ष के पार्षद व ईओ स्वयं बैठक हाल से बाहर निकल गए। अचानक बैठक स्थगित करने व सभी प्रस्ताव बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा से विधायक पूराराम चौधरी सहित विपक्ष के पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की। करीब आधा घंटा तक हाल में आक्रोश प्रकट करने के बाद ईओ के पास जाकर जोरदार नाराजगी प्रकट की। विधायक सहित सभी पार्षदों ने बैठक स्थगित करने की मांग की, अन्यथा उक्त मामला विधानसभा व राज्यसभा चुनावों को लेकर आयोजित भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक में मामला उठाने की चेतावनी दी। ईओ ने बताया कि बैठक कार्रवाई में सभी पार्षदों के हस्ताक्षर है, जबकि पार्षदों का कहना है कि उक्त हस्ताक्षर उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए करवाए गए थे, जो प्रत्येक बैठक में होता है। पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर मनमानी पूर्वक प्रस्ताव लिखकर लोकतंत्र का गला घोटने व महिला पार्षदों बैठक में नहीं बोलने देने का आरोप लगाया। ईओ कार्यालय में विधायक सहित विपक्षी पार्षदों द्वारा करीब आधा घंटा तक हंगामा व आक्रोश प्रकट करने के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन एसडीएम अवधेश मीना कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की वजह से विधायक व पार्षद एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए। सूचना पर एसडीएम तत्काल कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक व पार्षदों की बात को गंभीरता से सुना और उनकी शिकायत या आपत्ति बैठक कार्यवाही में दर्ज करवाने का आश्वासन दिया। तब जाकर पार्षद व विधायक शांत हुए। जागरूक टीवी के लिए भीनमाल से रिपोर्ट।